नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज चौथी बार पत्रकारों से बात की। इस दौरान राहुल ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद थी कि कोरोना 21 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, मगर 60 दिन हो चुके हैं और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत उन देशों में है जहां कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन खत्म कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के 4 स्टेज फेल हो चुके हैं। ऐसे में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आगे के लिए उसकी क्या रणनीति है, मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था है, MSMEs को कैसे खड़ा करेंगे। सरकार कहती है कि GDP का 10% पैकेज के रूप में दिया है, मगर असल में 1% ही मिला है। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किए गए हमले का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मजदूरों से बात करके अच्छा लगता है और मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं पैदल ही उत्तर प्रदेश निकल जाऊंगा और मजदूरों की मदद करना शुरू कर दूंगा, लेकिन सरकार मुझे परमिशन नहीं देगी। राहुल ने बैग उठाने के तंज पर कहा कि अगर मुझे परमिशन दे दी जाती है तो मैं 1 नहीं 10 मजदूरों के बैग उठाने के लिए भी तैयार हूँ। बता दें, राहुल ने दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी। इसी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुलाकात को ड्रामा बताया था। वहीं कहा था कि इससे अच्छा होता कि राहुल गांधी मजदूरों की मदद करते और सामान उठाने में उनकी सहायता करते। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहे तो अभी मजदूरों की मदद कर सकती है, 7,500 रुपए हर महीने दे सकती है और देने भी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मजदूरों को लेकर फैसले पर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना है कि लोग पहले भारतीय हैं और फिर किसी राज्य के हैं। कोई राज्य के बाहर जाकर काम करना चाहता है, ये फैसला किसी मुख्यमंत्री को नहीं लेना चाहिए बल्कि उस व्यक्ति को लेना है। बता दें, CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब अगर किसी राज्य को UP के कामगार चाहिए होंगे तो पहले UP सरकार से अनुमति लेनी होगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर BJP 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है। इस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पार्टी नेता करेंगे। कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पार्टी 750 वर्चुअल रैलियां भी करेगी। बता दें कि आने वाली 30 मई तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की। पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि दोनों नेताओं के बीच कोरोना से पनपे हालात और लॉकडाउन से निकलने की स्थिति पर विवाद था। हालांकि शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि सरकार की स्थिरता को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सरकार की स्थिरता को लेकर खबरें फैला रहा है तो ये उनके पेट का दर्द है, सरकार मजबूत है, कोई चिंता की बात नहीं है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,535 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,45,380 हो गया है, जिसमें 80,722 एक्टिव केस हैं और 60,490 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा कुल 4,167 मौतें हुई हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना मामले बढ़कर 52,667 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,695 हो गया है। इसके अलावा 15,786 लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले 17,082 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 118 है। इसके अलावा 8,731 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 14,460 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 888 है। इसके अलावा अब तक कुल 6,636 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। दिल्ली में संक्रमण के मामले 14,050 हो गए हैं, जबकि कुल मौतों की संख्या 278 है। इसके अलावा राजस्थान में कुल संक्रमित 7,300 हैं और मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 6,859 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 300 है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली 46 वर्षीय नर्स की मौत के बाद उसके साथियों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पताल में काम करने वाली अन्य नर्सों का आरोप है कि उन्हें इस्तेमाल किए हुए PPE किट, ग्लव्स और मास्क दिए जाते हैं। बता दें कि दिल्ली के कालरा अस्पताल में काम करने वाली नर्स अंबिका पीके की रविवार को दोपहर सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। कोरोना संक्रमण के कारण नर्स की मौत का ये दिल्ली का पहला मामला है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद 10वीं क्लास के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। छात्रों की संख्या 15 लाख से ज्यादा होने के कारण एक साथ लाखों की संख्या में बच्चे वेबसाइट पर आए, जिसके कारण रिजल्ट जारी होते ही बिहार बोर्ड की वेबसाइट डाउन हो गई। हालांकि छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उबर इंडिया ने मंगलवार को ऐलान किया है वह देश में अपने 600 कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगा, जिसमें कस्टमर और ड्राइवर सपोर्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, लीगल, फाइनेंस, पॉलिसी और मार्केटिंग वर्टिकल से जुड़े लोग अब तक काम कर रहे थे। बता दें कि उबर के भारत में करीब 2400 कर्मचारी हैं, जिसमें से छटनी का हिस्सा उसका एक चौथाई कर्मचारी वर्ग बना है।
दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 54,95,061 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,46,232 है। वहीं अब तक 23.5 लाख के करीब लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 16,62,302 है, जबकि इस वायरस के कारण अब तक कुल 98,220 लोग मर चुके हैं। ब्राजील में पहली बार 24 घंटे के भीतर अमेरिका से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। कल ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण से 807 मौतें हुई, जबकि अमेरिका में 620 लोगों की जान गई। ब्राजील में कोरोना वायरस से 3,74,898 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 23,473 है। इसके अलावा रूस में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,53,427 है और 3,633 लोग मर चुके हैं। न्यूजीलैंड में इस समय सिर्फ एक ही कोरोना संक्रमित अस्पताल में है और पूरे देश में सिर्फ 22 मामले हैं। करीब 50 लाख लोगों के इस देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 1500 मामले सामने आए और 21 लोगों की मौत हुई। अधिकारियों को भरोसा है कि उन्होंने देश में घरेलू संक्रमण के चक्र को तोड़ दिया है। मई महीने में नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के अधिकतर हिस्सों से लॉकडाउन हटा दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।